हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेला फैशन वर्ल्ड। ट्रेंडी फैशन की लेटेस्ट अपडेट। आज ये सेकंड डे है हमारे ट्रिप का एंड आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आगरा का ताजमहल एंड रेड फोर्ट, जो कि हम कल कल हमने किया मथुरा एंड वृंदावन के कुछ कुछ मंदिर, प्रेम मंदिर एंड मथुरा में जो भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है वो सारे मंदिर हम लोगों ने कवर किए कल। बट वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था तो इसकी वजह से हमने बस आउटर पिक्स एंड आउटर वीडियो ही लिए। आज देखते हैं, आज मॉर्निंग में हम लोग रेडी हो गए हैं, 6 बजे उठ के ही ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम निकलेंगे ताजमहल के लिए। एंड जिस होटल में हम लोग रुके थे वो ताज रिसोर्ट करके, होटल ताज रिसोर्ट करके एकदम नियर बाई है आगरा के ताजमहल से, लाइक 500 मीटर्स की दूरी पे है। एंड आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा था, उनका सर्विस भी काफ़ी अच्छा था। एंड आपको ये है हमारे, हम जहाँ पे रुके थे वहाँ के होटल का एंट्रेंस एंड लॉबी पार्ट भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल था, जबकि हम नाइट में गए थे तो हम लोगों ने बस चिल किया वहाँ पे जाके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवन वहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ही प्यारा मतलब एम्बियंस बनता है नाइट में। एंड हम लोगों ने भी, हम लेट गए थे बट स्टिल उन्होंने अच्छे से सर्व किया हम लोगों को एंड खाना भी अच्छा था वहाँ पे, बहुत ही सुंदर उनका फैसिलिटी था। इन शॉर्ट हम लोग कल रात में लेट आए तो कल मैंने रूम का वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैं मॉर्निंग में ही आपको दिखा देती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा देखने के लिए, आगरा का ताजमहल देखने के लिए। ये देखिए, बहुत से अनवी अनवी का तो सब नहाना ब्रेकफास्ट सब हो गया है। से हाय से हाय हाय, फिर भी उसको अभी भी लेट नहीं है। हम लोगों का स्टे ज़्यादा था नहीं तो इसकी वजह से मैसी मैसी है रूम। अभी हम निकलने वाले हैं, ऑलरेडी बैग्स पैक्स हो चुके हैं, रेडी होके फिर हम लोग बाहर निकले। एंड क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, सुबह का टाइम था तो ताजमहल के नियर बाई कोई भी व्हीकल नहीं जाता तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ही जाना पड़ता है, और आगे तक हम लोगों को वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही कैरी करना था। माहौल भी अच्छा था, हम लोग भी काफ़ी फ्रेश मूड में थे एंड नियर बाई था, 500 हम पैदल भी जा सकते थे बट हमें टाइम को सेव करना था इसलिए फिर हम वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ताज के नियर बाई पहुँचे। बहुत ही साइड में बहुत धुंधली है एंड ये जो है वो बहुत ही सुंदर उपक्रम है, जो ड्यू टू पोल्यूशन ताजमहल को हानि होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो अभी यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये एंट्री पॉइंट है, हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया था, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। फाइनली हम पहुंच जाते हैं ताजमहल के अंदर, हमने गाइड हायर किया था, आप भी गाइड हायर कीजिए क्योंकि गाइड बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं एंड हमें पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलता है। क्लीन करने के लिए कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करते हैं, ओनली मड पैक, मुल्तानी मट्टी, आप मुल्तानी मट्टी से सफाई करते हैं। ये देखिए, ये हम पहुंच जाते हैं मेन ताजमहल के एंट्री में एंड ताजमहल का पूरा ही जो एरिया है, पूरा जो भी काम है वो बहुत बड़ा है, भव्य काम है। दोनों साइड में आपको बहुत बड़े बड़े गार्डन मिल जाते हैं जो कि वेल मेंटेन है, मेंटेन में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है एंड उसका लुक जो है, वो फील जो है वो बहुत प्यारा। ताजमहल को विज़िट करने के लिए दिसंबर जनवरी इज़ द बेस्ट मंथ। अभी थोड़ा समर स्टार्ट हो गया था, देखो अनवी को भी बहुत जान पे आता है पैदल चलने के लिए, अनिकेत उसको ले के चल रहे है। पूरा ताजमहल का पार्ट है, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट, फोर कोर्ट इसलिए बोलते हैं, फोर गार्डन है और फोर गेट है। जिस गेट से हमने एंट्री करा उसको ईस्ट गेट बोलते हैं, सामने वाला जो गेट है वो वेस्टर्न गेट है और जो पीछे उसको सदर्न गेट, ये मेन एंट्रेंस गेट है नॉर्थ साइड में, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, शाही गेट। उस टाइम पे जो भी रॉयल पीपल आते थे वो इसी गेट से एंट्री करते थे और जो जनरल लोग, आम लोग आते थे वो छोटे गेट से एंट्री करते थे। अब वो एग्जिट के लिए मेन गेट की हाइट है 105 फीट 35 मीटर,
जी, ये छोटे छोटे डॉम देख रहे हैं आप लोग व्हाइट वाले, आप काउंट करिए कितने डॉम है ऊपर। हाँ सर, 11 आगे हैं, 11 पीछे हैं, टोटल 22 है। आपको पता है इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया ताजमहल को बनने में 22 इयर्स लगे। हाँ, ये सिंबल है, ईच ईयर्स कंप्लीट होता था, एक डॉम रखते थे जी। ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं आप लोग चारों साइड, टोटल 210 रूम, 210 कमरे। और उस टाइम पे कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस वगैरह नहीं थे, जो भी गेस्ट आते थे यहाँ पर विजिटर, वो यहाँ स्टे करते थे, लाइक इट सराय। ओके, सो शाहजहाँ की 3 बीबियाँ थी, ताजमहल बनवाया थर्ड वाइफ के लिए, मुमताज थर्ड वाइफ। ओके, फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरहिंदी, थर्ड इज मुमताज। अदर टू वाइफ से कोई औलाद, कोई बच्चे नहीं थे। मुमताज से 14 किश्त थे, उनके 14 बच्चे। मुमताज की डेथ हुई 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, बुरहानपुर MP में। 6 मंथ के लिए बॉडी वहीं दफनाई गई बुरहानपुर में, और 6 मंथ बाद ला के बॉडी को यहाँ दफनाया, फिर उसके ऊपर कंजेक्शन बनवाना स्टार्ट किया। आपको लग रहा है काफ़ी नज़दीक, बट एक्चुअल में काफ़ी दूर है। आप बता सकते हैं यहाँ से कितने मीटर का डिस्टेंस है? 400 नहीं, 200। अब इसी लाइन को फॉलो करिए, ऐसा फील होगा आपको ताजमहल आपसे दूर होता जा रहा है और पूरा व्यू खुलता जा रहा है। आइए इसी लाइन को। फाइनली मेन गेट से हम लोग ताजमहल की ओर निकले। यहाँ पे इल्यूजन का बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है, इल्यूजन मतलब आँखों का धोखा। यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ताजमहल हमसे दूर होता हुआ दिखेगा। एंड फाइनली हम लोग आ जाते हैं ताजमहल के नियर बाई। बहुत ही सुंदर काम किया गया है, बहुत ही सुंदर कारीगरी है, या फिर टेक्निक आप बोलिए, बहुत सुंदर है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना सुंदर काम यहाँ पे दिखेगा। फाइनली हम आ जाते हैं ताजमहल के स्टार्टिंग में। बहुत ही सुंदर लुक है, मतलब वो जो काम है वो बहुत प्यारा है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवा ही यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे फोटोग्राफर आपको मिल जाता है, एंड वो बहुत अच्छी तरीके से आपके फ़ोटोज़ भी खींच के देते हैं। बहुत ही सुंदर लुक ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने अपने बेगम के लिए बनवाया था, मुमताज बेगम के लिए ये ताजमहल बनवाया था। एंड बहुत ही प्यारा है, मतलब प्यार की ये निशानी है जो शाहजहाँ ने अपने बीवी के लिए बनाई थी। एंड ये पूरा जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरवर से बनाया है, एंड उसके लिए जो भी कारीगर लगाए थे वो सब बगदाद तुर्की से है। एंड वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत तराश के, बहुत ही सर्च करके लाई गई है। तब के ज़माने में हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर काम है, मतलब वो जो लोग थे वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तब के टाइम में, और अभी तक उनकी जो कलाकृति है वो हम लोग अभी तक देख रहे हैं। रेड जो है, रेड जो स्टोन दिखता है उस पर भी वर्क है, वो लोकल कारीगरी ने किया है। एंड जो वाइट इस पर किया गया है वो बहुत ही प्यारा हुआ। आप देखेंगे चारों तरफ ऑलमोस्ट सेम मीनार दिखेंगे आपको। एंड ये जो है ताजमहल का काम बहुत प्यारा है, बहुत सफाई से काम किया हुआ है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल कब्र है शाहजहाँ और मुमताज़ की। यहाँ पे भी इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग कैमरा से शूट नहीं किया। ये आउटर प्रीमाइसेस है, हम यहाँ पे करीब 11:30-12 के बीच में होंगे, तो सन भी काफ़ी ब्राइट था और ये वाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये कलर पेंटिंग, बड़े कोई पेंटिंग नहीं है, ये सारे जेम स्टोन है। ग्रीन वाला ये मलाकाइट है, ये साउथ अफ्रीका का है। रेड वाला कुरेलियन फ्रॉम यमन, ब्लैक वाला ब्लैक मार्बल फ्रॉम बेल्जियम, येलो वाला जास्पर फ्रॉम इंडिया। ये पत्थर देखिए आप, ये पूरा वन पीस के अंदर है, वन पीस। अच्छा, हाँ, ये कोई जॉइंट नहीं है, वन पीस मार्बल है। ये पूरा वन पीस के अंदर है, इसको नक्काशी बोलते हैं सर, क्राफ्ट। उस टाइम मशीन नहीं था, वो सिर्फ चीजल और हैमर यूज करते थे कार्व करने के लिए। तो जो 20,000 वर्कर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया, उन्हीं की फैमिली अभी तक काम करती है, 17 जनरेशन।
अभी तक है उनकी फैमिली, वो ये वर्क वो बाहर करते हैं। जब हम एग्जिट चलेंगे एक रोड के, तो आपको दिखाऊंगा ये वर्कमैनशिप आपको बाहर कैसे मनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से इल्यूजन का यूज किया हुआ है ताजमहल में, आप देखेंगे ये जो पिलर है, जब आप पास में खड़े होकर देखेंगे तो वो स्ट्रेट दिखता है, बट जब आप दूर होके देखते हैं तो वो जो पिलर है वो छोटा 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 होते दिखता है। ये है आंखों का धोखा, इल्यूजन, बहुत ही अच्छी तरीके से इल्यूजन का यूज़ किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह आपको मिलती है जहाँ पे ये देखिए ऊपर हम देखते हैं तो छोटा छोटा एकदम, मतलब जो उसका साइज है वो छोटा होते। वो फाउंडेशन देख रहे हैं आप लोग, रेड वाला सामने वाला वो फाउंडेशन है कलर तजमिल का, शाहजहां ने बनवाना स्टार्ट किया था, उनके बेटे ने उनको कैद करा सामने आगरा फोर्ट में, वो है आगरा फोर्ट, उनको कैद करा 1658 में, जब शाहजहां 66 ईयर्स ओल्ड के थे, बट वो थोड़े आँख से वीक थे, वो ताजमहल नहीं देख पाते थे वहाँ से, वहाँ उनकी बेटियों ने उनकी देख उनकी बेटियों ने उनकी देखभाल करी, और उनकी बेटियों ने एक विंडो के अंदर एक डायमंड लगवाया, डायमंड के जरिए वो ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखा करते थे। ओके, जब उनकी डेथ हो गई 8 साल बाद आगरा फोर्ट में, जब उनकी बेटियों ने अपने भाई से छुप के अपनी फादर की बॉडी ला के अपनी मदर के बगल में बरी कर दिया, इसलिए अंदर जो शाहजहां मुमताज था। ओके, सो जब शाहजहां की डेथ हुई, जब शाहजहां की डेथ हुई आगरा फोर्ट में, शाहजहां 74 ईयर्स ओल्ड के थे, और जब मुमताज़ की डेथ हुई 1630 में, शी इज़ ओनली 39 ईयर्स ओल्ड। शाहजहां का जो रियल नेम था शहाबुद्दीन खुर्रम, मुमताज़ का जो रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम। ओके, आगरा में तीन ही चीज़ बहुत फेमस है, तीन चीज़ बहुत फेमस आगरा के अंदर, ताजमहल, सेकंड पेठा स्वीट पेठा, और तीसरा है लेदर। लेदर इसके, हाँ इसके पीछे काफ़ी फैक्ट्री थी लेदर की, उसी से काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा था, पूरा ताजमहल पीला पड़ गया था, बट अभी इसको क्लीन कर रहा है। ओके, सो ताजमहल का जो बेस है, ताजमहल एक लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, हाँ जिसका जो बेस है बूट के ऊपर है, आपने लकड़ी का नाम बूट का नाम सुना होगा, टीक बूट, वो टीक बूट इतना स्ट्रांग होता है जितना पानी लकड़ी पे जाएगा लकड़ी और ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए ताजमहल को 400 इयर्स हो गया अभी तक इतना मजबूत है। ओके, अभी फोटो लेना। फाइनली हम लोग आ जाते हैं ताजमहल के एग्जिट गेट पे, हम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये जो ताजमहल बनाया है, बहुत सुंदर है। उस टाइम में, उस ज़माने में इतना सुंदर काम वो कारीगरी ने किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। सब लोग थोड़े से थक गए थे इतने धूप में घूम के, अनवी भी काफ़ी थक गई थी, बट स्टिल वो एक्साइटेड थे कुछ कुछ नया नया देखने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे, बहुत इन्जॉय किया। मैं तो पहली बार ताजमहल देख रही थी, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ कमेंट है तो भी